महादेव दोस्तों, और कैसे हो आप सब? आपने अब तक ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में कई सारे वीडियोस में सुना होगा, ग्रीक माइथोलॉजी के देवताओं के बारे में, उनके राक्षसों के बारे में, उनकी प्राचीन कहानियों के बारे में आपने कई सारे लोगों के पास सुना होगा, कई सारे वीडियोस में देखा होगा। पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रीक माइथोलॉजी के 7 महान देवताओं के बारे में बताने वाला हूँ जो वाकई में बहुत महान थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यूस, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक चीफ गॉड है और उनके पास लाइटनिंग स्ट्राइक की पावर भी है और साथ ही साथ वो एक स्काई गॉड भी माने जाते हैं और वो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सभी इंसानों के पिता भगवान भी कहे जाते हैं और उनके पास हथियार के रूप में लाइटनिंग बोल्ट भी है। नंबर 2, पोसाइडन, जो ग्रीक माइथोलॉजी के 12 गॉड्स में से एक है और उसके पास हमारी अर्थ के सारे अपोक्लिप्स की पावर है और वो ओशन गॉड भी है और वो देवता है समुद्र के, अर्थक्विक के और तूफान के और अश्व के भी। नंबर 3, हेडीज, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गॉड है अंडरवर्ल्ड का और क्रोनस नाम के टाइटन का बेटा भी है और उसके पास पावर्स है इनविजिबिलिटी की और उसके पास पूरे अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है और उसके पास 3 सिरों वाला कुत्ता भी है जिसे केरबरस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अथीना, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गोडेस है वॉर की और उसके हथियारों में एक भाला भी शामिल है और वो 12 देवताओं में से एक है और वो गोडेस है हीरोइज्म की, युद्ध की और साथ में स्ट्रेंथ की भी। नंबर 5, अपोलो, जो ग्रीक माइथोलॉजी के 12 देवताओं में से एक है और उसके पास पावर है हीलिंग की, आर्चरी की, म्यूजिक, आर्ट्स, सनलाइट और नॉलेज। उसके पिता ज्यूस है और उसके पास तीर और कमान है। नंबर 6, हेरा, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर सभी देवताओं की रानी है और वो ऑल फादर ज्यूस की पत्नी और उसके बहन भी है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर वहाँ ऐसा ही चलता है। हेरा जो गोडेस है औरत की, मैरिज की, फैमिली की और चाइल्ड बर्थ की। नंबर 7, निक्स, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर गोडेस है नाइट की और ओल्ड फादर ज्यूस से भी बड़ी और ज़्यादा ताकतवर है। नाइक्स जो रहती है टार्टरस में और थेनाटोस और एरब्रस के साथ रहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हम यही पूरा करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।